गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 बज रहे हैं एग्जैक्ट, 6 बज रहे। और मेरे साथ हैं मेरे संदीप सर, और मेरे साथ है साहिल एक बार फिर से, और मेरे साथ है पंकज। तो दोस्तों अभी हम विकास नगर में हैं और यहाँ से हम निकल रहे हैं सीधा कल्पा, और ये ट्रिप हमने काफ़ी लंबे समय से मैनर शुभम ने प्लान की थी, और इसके बारे में हम आपको रास्ते में बताते चलेंगे। और बहुत लंबा ट्रिप है और बहुत मज़ा आने वाला है इस ट्रिप पे। रात को नींद भी नहीं आई इस वजह से हमें। क्या बोल रहा है साहिल? हाय गाइस, अभी हमारे बीच में डिबेट चल रही है, आगे कौन बैठे? बुजुर्ग बैठेंगे, जवान बुजुर्ग बैठेंगे या जवान बैठेंगे, तो जवान जीतिए। जवान जीतिए। ये हमारी गाड़ी में आपको दिखा देता हूँ एक बार, हमारे संदीप सर की गाड़ी है, प्यारी सी गाड़ी है, एक छोटी सी वैगन आर, और इसी में हम करने वाले हैं हमारी ट्रिप। इस बार हम लोग जा रहे हैं स्पीति वैली, और ये ट्रिप हमारे लिए बहुत स्पेशल है। आज है 13 जून और हमारे सफ़र का पहला दिन। हमारा पहला स्टॉप होगा कल्पा। कल्पा किन्नौर का एक छोटा और बहुत सुंदर गांव है, और हमारे घर से कल्पा तक का डिस्टेंस है 348 किलोमीटर्स। तो साथ में चलते हैं और करते हैं एक खूबसूरत सफ़र का आगाज़। और हम लोग चकराता से अब 20 किलोमीटर आगे, और हम लोग रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और ये देखिए आग जल रही है, और संदीप सर को लग रही है ठंड। भाई आ गया हमारा ऑमलेट। अरे वाह बड़ा डिलीशियस ऑमलेट, ये मैजिक मोमेंट वाला है। चाय बेकार पी रहे यार तुम, और चाय कसम से पी लोगे ना, उल्टी उल्टी कुछ नहीं आएगी। तो आप फिर तो आप साथ हो। बाहर से आपको लोकेशन दिखाऊं मैं एक बार, यहां आप आइए चकराता में। चकराता से आगे लोखंडी है ये 20 किलोमीटर आगे। बेसिकली दो मेन रास्ते हैं स्पीति वैली पहुंचने के लिए। एक रास्ता जाता है मनाली होते हुए, और दूसरा रास्ता जाता है शिमला और किन्नौर होते हुए। जो पहले वाला रास्ता है मनाली होते हुए, उस रास्ते को काफ़ी टफ माना जाता है, और सर्दियों में दिसंबर से मार्च तक वो रास्ता बंद रहता है ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रास्ता और सबसे सेफ़ रास्ता माना जाता है शिमला और किन्नौर होते हुए जो रास्ता जाता है। हम लोगों ने जो रास्ता अपने लिए पिक किया है, हम लोग जा रहे हैं उत्तराखंड की साइड से ही, और हम लोग सीधा शिमला हमें बीच में नहीं आएगा, हम लोग सीधे पहुंचेंगे रामपुर, और हम जा रहे हैं वाया रोहडू। हम लोग पहुंच चुके हैं रोहडू के पास, रोहडू से हम आगे हैं अभी, और सामने ही पूरे सेब के पेड़ आप देख रहे हैं जो कि नेट से ढके हुए हैं इस टाइम, सेब को पानी बर्फ़ से बचाने के लिए। ये देखिए कितने बड़े स्केल पे यहाँ पे सेब लगता है, और ये पूरा एरिया अपने एप्पल्स के लिए बहुत फेमस है। और मैं आपको एप्पल्स दिखाऊंगा तो हमारे पास भी लगे हुए हैं रोड के बिल्कुल पास में। ये देखिए ये एप्पल का पेड़ है, और छोटे छोटे एप्पल्स अभी लगे हैं, और आने वाले 2-3 महीने में पूरा मैच्योर हो जाएंगे। वाह, और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है अभी, मैं लग नहीं रहा है जैसे हम जून में हैं। एक छोटा सा रेस्ट लेने के लिए हम यहाँ पे रुके थे, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। अभी हमें मिडवे में अपनी डेस्टिनेशन के कल्पा के बीच में हम बिल्कुल अभी रास्ते के, और ये जगह रोहडू के पास आती है, और मोस्टली जो लोग हैं वो शिमला वाला रूट प्रेफर करते हैं, पर हमने ये वाला रूट प्रेफर किया था, और सच में रिग्रेट नहीं है कोई भी, बहुत ऑसम है पूरा रास्ता, बहुत सीनिक। नीचे जो आप देख रहे हैं ये है रामपुर, और साथ में बह रही है सतलुज रिवर, और सतलुज रिवर का फ्लो इतना ज़्यादा है इस टाइम की आवाज़ हमें यहाँ तक सुनाई दे रही है प्रॉपरली। और नीचे है रामपुर, और यहाँ से अभी कल्पा बचता है 130 किलोमीटर्स, और गूगल मैप्स पे दिखा रहा है 4 आवर्स हमें लगने वाले हैं। और अभी हम इस पॉइंट पर रुके थे क्योंकि हमें यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिख रहा था, तो हमने कहा चलो रेस्ट भी कर लो थोड़ा सा और रुक भी जाओ। अभी हमें 4 घंटे और लगने वाले हैं, अभी बज रहे हैं
4:10 और हम 8 बजे तक शायद कल्पा टच करेंगे। सर फ्रंट सीट चाहिए क्या आपको? हाँ। आपकी गाड़ी से आपको ही बाहर कर दिया। हाँ। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? दिस इज टोटली अनफेयर यार, इनह्यूमन। फ्रंट सीट की लड़ाई होती है और यहाँ पे बाहर आ जा भाई, बहुत हो गया। नहीं देख, मैं आपकी गाड़ी का बड़ा हूँ, बुजुर्ग हूँ, ठीक है सर। दम पैर पड़वा लो, पैर नहीं भाई। नहीं नहीं नहीं, आप बुजुर्ग हैं, आप 200 किलोमीटर से बैठे हो सर। कोई नहीं, पीछे भी सही है सीटिंग। नहीं यार पता, पीछे पता क्या, जब आप कसोल गए थे पूरे दिन पीछे की बैठे थे, पीछे घसीट लगती है यार। किसकी? सीट की, सीट की घसीट लगती है। मेरे रेस पड़ गए पीछे यार। ये जो रूट आ रहा है ये आ रहा है रोडू से, और हम रोडू से होकर के आए, और ये जो रूट आ रहा है ये आपका शिमला से होकर के आ रहा है, आप देख रहे हैं। ये तो दोनों रूट यहाँ पे, दोनों रोड यहाँ पे मिल रहे हैं, और यहाँ से हमको जाना है रामपुर, और रामपुर से हम फिर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, रामपुर के बाद फिर हम जाएंगे कल्पा। कल्पा में हमने स्टे करना है, और जो रिस्ट्रिक्शन थी हमें सुनने में आ रहा है कि जितनी भी रिस्ट्रिक्शन थी गवर्नमेंट की, जितनी गाइडलाइंस थी उनको थोड़ा सा जो है गवर्नमेंट ने ईज़ कर दिया है। जैसे कि आपको अब RT-PCR लाने की ज़रूरत नहीं है, और आपके पास लगभग ई पास भी होना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप आ रहे हैं तो अपना ई पास करवा लें। किलोमीटर से हम आ चुके हैं अपने घर से एग्जैक्टली, और सामने देखिए आप बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, और इसका मतलब है हम कल्पा के बहुत नज़दीक हैं। अब हमें जाना है 75 किलोमीटर और हमें लगने वाले हैं यहाँ से 2.5 hours प्रोबेबली। और मैं चाहूँगा थोड़ा सा रास्ते में हम चाय पियेंगे। चाय तो यार पीनी पड़ेगी, बस एनर्जी बहुत डाउन हो चुकी है, मुझे थकान हो रही है बहुत ज़्यादा, पूरा पूरी बॉडी टूट रही है। रास्ता बहुत अच्छा है, मौसम डाउन हो चुका है अभी इस टाइम, टेम्परेचर शायद 20 या 22 डिग्री होगा अभी जो मैंने चेक किया था। एंड फाइनली वी आर एंटरिंग किन्नौर, और किन्नौर की वो फेमस रोड्स क्लिफ हैंगिंग वाली रोड्स, और यहाँ पर ड्राइव करना खुद में एक स्पेशल एक्सपीरियंस है। अभी तक रोड्स बहुत अच्छी मिली हैं हमें, और किन्नौर में भी अभी किन्नौर स्टार्ट हुआ है और काफ़ी अच्छी रोड्स बनी हुई हैं यहाँ पर भी। अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं रिकांगपियो, और रिकांगपियो से थोड़ी देर बाद हम लोग पहुँचेंगे कल्पा, जो है आज की हमारी डेस्टिनेशन, और मिलते हैं कल्पा पहुँच के। एंड फाइनली वी हैव रीच्ड कल्पा, और ये हमने अभी अभी होटल रूम चेक इन किया है। सबसे बड़ी बात जो हमें पसंद आई, सारे जितने हमें, एक तो हमारी पसंद का रूम मिल गया। हाँ। दूसरी बात ये है कि यहाँ से जो व्यू आपको देखने को मिलेगा कल सुबह, वो अमेजिंग। और एक 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 सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बता दूँ, ये रूम मिला है हमें ओनली 1000 rupees, ओनली 1000। और हम लोग कर रहे हैं अपने लिए डिनर ऑर्डर, क्योंकि थक चुके हैं बहुत, डिनर करेंगे जल्दी उठेंगे सुबह। ओके गाइज, गुड नाइट, सी यू टुमारो। गुड मॉर्निंग गाइज, वी आर इन कल्पा, और बहुत ही एक सुंदर मॉर्निंग के साथ आप सबके बीच में। और कल रात को हमने कल्पा में स्टे किया था, कैलाश व्यू होटल का नाम है यहाँ पे, और जैसा इसका नाम है वैसा ही है बिल्कुल यहाँ से व्यू। अगर मैं आपको सामने का व्यू दिखाऊँ, यहाँ से सामने आप देख सकते हैं किन्नर कैलाश पर्वत आपको सामने दिख रहा है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है, अभी बादलों से ढका हुआ है। और सामने अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर ये शिवलिंग है, यहाँ पर महादेव की शिवलिंग है, और ये काफ़ी बड़ी शिवलिंग है, वीडियो में बहुत छोटी दिख रही है अभी, बट ये काफ़ी बड़ी शिवलिंग है, और जो कि यहाँ से दिखती है, और होटल से बहुत व्यू बहुत ही प्यारा है यहाँ से। खाना भी यहाँ पे बहुत अच्छा था, रात को डिनर हमें अच्छे से, कोऑपरेटिव था स्टाफ, और खाना भी बहुत टेस्टी था। बाकी अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से सीधे टाबो के लिए, और रास्ते में हम लोग टाबो यहाँ से है 167 किलोमीटर्स,
और अगर हम डायरेक्ट जाते हैं तो 4.5 hours का रास्ता है, बट हम लोग रुकेंगे रास्ते में, नाको लेक हम एक्सप्लोर करेंगे, और नाको यहाँ से 100 kilometers, तो हम पहले नाको लेक देखेंगे और उसके बाद हम सीधा ताबो निकलेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग पहुँचेंगे काज़ा। अगर आप काज़ा स्पीति एक्सप्लोर करने के लिए आएँ तो फर्स्ट डे मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप कल्पा में एक रात ज़रूर रुकें, क्योंकि जो यहाँ पर सुबह सनराइज़ है और उसके बाद जो सामने व्यू दिखता है वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग। और इस खूबसूरत व्यू के साथ कहते हैं इस वीडियो से अलविदा, और जल्दी मिलते हैं अपने स्पीति एक्सप्लोरेशन के नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो पूरा स्पीति एक्सप्लोर करना है। जल्दी मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।